आज हम लोग मंडलिया घाट, मंडलिया घाट में देखे हैं बड़े धूमधाम से छठ पूजा की जा रही है। हजार हजार संख्या में यहाँ पर लोग आ चुके हैं इस पूजा में, इस तरह हिस्सा ले रहे हैं। आइए आ सकते हैं, खास इतनी भीड़ रही है, शायद यहाँ कोई घाट में इतनी भीड़ होती है। आइए चलते हैं मंडलिया घाट, छठ पूजा मनाई जाती है। बोल बोल बोल, हाँ वो क्या बोलूँ, रिकॉर्डिंग बोलूँ क्या, बोलो बोलो, आपका नाम बोलो। हमारा नाम दामिनी मल्लिक है। आज आप छठ मैया की जय बोल रहे हो, आज छठ पूजा के बारे में बताओ, इसका क्या महत्व होता है? बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ा महत्व है। क्या होता है बहुत बड़ा? सब आते हैं उधर, सब जगह से उधर उधर उधर, मत बोला कर बीच, आप बोलो अभी बोलते पूछना, क्या बता दो क्या हो रहा है? ये ऑनलाइन चल रहा है, कौन चल रहा है? आप पूछो भैया का, बोलो भैया बोले बोले। आप यहाँ पे छठ पर्व का मनाने के लिए, इस पर्व को महापर्व का विधान दिया गया है, सबसे बड़ा पर्व है ये। क्यों मनाते हैं आप लोग, क्यों मनाते हैं और क्या क्या कार्यक्रम करते हैं आप? तीन से चार दिन तक का व्रत होता है, नहा खाए करना, उसके बाद फिर अभी शाम को सूर्यास्त होगा, उसमें सूर्य अर्घ देंगे। ये पहला पर्व है जो सूर्य को अस्त होते हुए अर्घ दिया जाता है इसमें, और कल सुबह जब सूर्योदय होगा तब अर्घ दिया जाएगा, उसके बाद व्रत की समाप्ति होगी, व्रत की समाप्ति भी होगी। ड्राइवर फुटवा चुका है पहले, उसको आता नहीं, क्या क्या कर दिए खाली देखना। आप क्या मेरा नाम आदित्य फासी है। छठ पर्व बहुत ही सुहाना त्यौहार है, उसको हम लोग बहुत उल्लास के साथ करते हैं। क्या क्या करते हो मैडम? सबसे पहले तो नान खान होता है जो उसमें लौकी भात खाते हैं हम लोग, उसके बाद खरना होता है। अरे छोड़ो ना, छोड़ो ना, उसके बाद खरना होता है, खरना चलो ठीक है। डायरेक्ट चल रहा है तुम्हें याद कर, ऑनलाइन चल रहा है डायरेक्ट तुम्हें याद कर। बोलो आपका नाम, बोलो। छठ में आके जब उसके आप इतना लंबा चौड़ा टीका लगाई है? हाँ, मैं व्रत भी की हूँ ना, मेरे माँ के साथ में अच्छी लंबा टीका लगा, पूजा करके, पूजा करने के बाद बाहर निकली। तो आप क्या क्या करते हो पूजा में? तीन दिन का व्रत रहता है, जी बोलिए आपका बेटी जो बोली क्या बोलती है? बोलो बेटा आपका नाम, बोलो नाम, बोल नाम, बोल ठीक है। आप आज छठ पूजा में देख रहे हैं आपके मम्मी पापा सारे कोई आए हैं, छठ पूजा कर रहे हैं, बताओ आप क्या क्या करती है, आपकी मम्मी क्या करती है बताइए, ले लिया क्या क्या करते हो बोलो ना, ऐसा करते हो? जरा अगले साल बोला पापा सिखाएंगे।